सो गाइज, आज हम लोग व्हाट्सएप के एक नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि व्हाट्सएप ऑडियो से रिलेटेड है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल अपडेट है, बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो भैया क्या है ये अपडेट, सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। व्हाट्सएप को अपडेट रखिएगा, आपको ये अपडेट मिल जाएगा। और अभी ये अपडेट जो है सबको धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है, तो अपडेट रखिएगा, आपको मिल जाएगा। वीडियो में लाइक की कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना, लाइक ज़रूर करके जाना, बिकॉज लाइक जो है वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइक करके जाना, बिना लाइक के मत जाना, एंड तक देखना और लाइक कर देना, फिर से बोल रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सीरियसली, बहुत ही ज़्यादा कम लाइक करते हो आप, तो लाइक का बटन दबना चाहिए यार, प्लीज़ लाइक कर देना। सो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट्सएप ऑडियो को लेकर अपडेट क्या है। सो गाइस, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सएप चैट से ही वॉइस नोट को फॉरवर्ड करते हैं, है ना। मान लीजिए आपको टीचर ने जो सिलेबस भेजा और आपको किसी और को भेजना है, तो वो आया भैया व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज वाले फॉर्म में, जो वॉइस मैसेज बटन से रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए जो आपके क्लासमेट है, आपके फ्रेंड को भेजोगे, उसको फॉरवर्ड क्लिक करोगे, उसको लॉन्ग प्रेस करके फॉरवर्ड करोगे, तो उनके पास जाएगा वो एज ए ऑडियो। वो बोलेगा यू ऑडियो मैसेज या दिस ऑडियो मैसेज इतने सेकंड। उसके बाद जो है आपको प्ले बटन मिलेगा और फॉरवर्ड टू बटन मिलेगा। कुल मिलाकर पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑडियो जैसा होगा, जैसे हम एक नॉर्मल ऑडियो भेजते हैं। अब लेकिन यहाँ पर अब क्या होने वाला है, अब अगर आप व्हाट्सएप पर मान लीजिए किसी को आपको वॉइस नोट करना है ना, या आपको किसी ने वॉइस नोट किया आपकी चैट में व्हाट्सएप वाले वॉइस नोट बटन से, तो अगर आप उसको आप किसी को भी फॉरवर्ड करोगे तो वो ऐसे ही जाएगा जैसे कि आप नॉर्मल वॉइस मैसेज करते हो किसी की चैट में। जी हाँ, उनको भी वो ऐसे ही दिखेगा कि आपने फॉरवर्ड होगा, उनको वो बताएगा भी कि ये ऑडियो मैसेज है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसा होगा जैसे कि व्हाट्सएप में आप वॉइस नोट करते हो नॉर्मल वाला। मुझे लगता है कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो जैसे हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब तो आपको समझ में आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने वॉइस नोट किए, देखिए कुछ व्हाट्सएप 0% है ना। मैंने जो है यहाँ पर एक चैट में जो है वॉइस नोट्स किए, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो गाइज, अभी ये जो मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है ये व्हाट्सएप के वॉइस नोट बटन से हो रहा है, अभी हम इसको जो है फॉरवर्ड करेंगे आपके सामने। अभी दो तीन ऑडियो और करते हैं। सो गाइज, दिस इज नेक्स्ट ऑडियो एंड इससे आगे इंग्लिश बनती नहीं मुझसे, तो धन्यवाद। सो गाइज, दिस इज द लास्ट ऑडियो एंड बस लाइक कर दीजिएगा वीडियो को भैया। अब ये जो मैंने मैसेजेस किए ये नॉर्मल वॉइस नोट बटन से किए, ऐसे अगर आपको भी किसी ने किए हो तो आप उसको लॉन्ग प्रेस करके या तो फॉरवर्ड करो, या अगर आपने ही किए हैं, अगर आप अपने मैसेज भी लॉन्ग प्रेस करके किसी को भी फॉरवर्ड करते हो तो वो दिखेगा कैसे जाएगा। मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑडियोस को। Selected. ये जो तीन ऑडियो है मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं फॉरवर्ड पे चलता हूँ। फॉरवर्ड करेंगे, चलिए सेंड कर देते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डेड 2 मिनट स्टॉप व्हाट्सएप सेंड करते हैं। मैसेज एडिट बॉक्स व्हाट्सएप, मेरे ऑडियो चलेगा आई थिंक। प्ले बटन, जी मेरे ऑडियो जा चुके हैं। अब अगर सामने वाला व्यक्ति देखेगा तो उसको बताएगा यू ऑडियो मैसेज इतने सेकंड इतने बजे, और उसके आगे जो है आपको प्ले और सी कंट्रोल और फॉरवर्ड टू बटन देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहां पर आप एक चीज जो है नोटिस करोगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये व्हाट्सएप पर किसी ने फॉरवर्ड किया है हमको, है ना। ये आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आपकी ही चैट में किसी ने वॉइस नोट किया हो, ये देखिए कैसे। और गाइज ये ऑटो प्ले भी होंगे, जी हाँ, नॉर्मल ऑडियो जो व्हाट्सएप पे ऑटो प्ले नहीं होता है। ये देखिए यू ऑडियो मैसेज बता रहे, प्ले बटन आ रहा है ना। यहाँ पर किसी प्रकार का फॉरवर्ड टू बटन नहीं आया, मैं प्ले करूंगा तो आप समझ जाओगे क्योंकि ऑटो प्ले भी होने वाला है। ऑडियो मैसेज 6 सेकंड्स 3:33 पीएम डिलीवर, ये देखिए योर ऑडियो मैसेज 5 सेकंड्स 3:33 पीएम डिलीवर, है ना, ये सब कुछ बता रहे। चलिए मैं एक पहले वाले ऑडियो को प्ले करूंगा। 0% योर ऑडियो मैसेज 6 सेकंड्स प्ले। सो गाइस, अभी ये जो मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है ये व्हाट्सएप के वॉइस नोट बटन से हो रहा है, अभी हम इसको जो है फॉरवर्ड करेंगे आपके सामने। अभी दो तीन ऑडियो और करते हैं। सो गाइज, दिस इज नेक्स्ट ऑडियो एंड इससे आगे इंग्लिश बनती नहीं मुझसे, तो धन्यवाद। सो गाइज, दिस इज द लास्ट ऑडियो एंड
बस लाइक कर दीजिएगा वीडियो को भैया। सो गाइज, यहाँ पर आपने देखा, पता ही नहीं लगा कि ये मैंने किसी चैट से फॉरवर्ड किए हैं। अब आप इसकी स्पीड भी कम ज्यादा कर सकते हो। प्ले करता हूँ मैं, पॉज करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर स्पीड को कम ज्यादा करने का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसे आप नॉर्मल ऑडियो भेजते हो ना या फॉरवर्ड भी करते हो तो आपको स्पीड कम ज्यादा का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पर मिल रहा है। मैं स्पीड बढ़ा के भी सुन सकता हूँ उसको। प्ले किया मैंने अभी। सो गाइस, अभी ये जो मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है ये व्हाट्सएप के वॉइस नोट बटन से हो रहा है। अभी हम इसको जो है फॉरवर्ड करेंगे आपके सामने। अभी दो तीन ऑडियो और करते हैं। सो गाइस, दिस इज नेक्स्ट ऑडियो एंड इससे आगे इंग्लिश बनती नहीं मुझसे तो धन्यवाद। सो गाइस, दिस इज द लास्ट ऑडियो एंड बस लाइक कर दीजिएगा वीडियो को भैया, है ना। यहाँ पर स्पीड भी तेज हो गई। कुल मिलाकर अगर मैं इस अपडेट को आपको शॉर्ट में समझाऊं तो अगर आप किसी की भी चैट से, किसी की भी चैट में किसी भी प्रकार के वॉइस नोट को फॉरवर्ड करते हो, अगर वो वॉइस नोट बटन से रिकॉर्ड किया गया है तो सामने वाले के पास उसको पता चलेगा कि भाई ये ऑडियो है, मतलब ये किसी का मैसेज फॉरवर्ड किया गया है, लेकिन उसमें जो सारे फीचर्स होंगे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज जो नॉर्मल प्ले करते हो वैसे यूज़ कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑटो प्ले कर सकते हो, स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो और भी बहुत कुछ, है ना। ये यहाँ पर ये अपडेट आया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत सारे जो है टीचर्स के सिलेबस जो भेजते हैं वो अपने क्लासमेट्स को फॉरवर्ड करते हैं, अपने जो क्लास में जो है स्टूडेंट्स हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं, तो वो जो है वहाँ से पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप वैसे ऑडियो भेजते हो तो भाई कहाँ इतनी नॉर्मल स्पीड ही चलती है, ऑटो प्ले भी होते नहीं है वो। तो यहाँ से आप स्पीड ज़्यादा करके सुन सकते हो ताकि आपका समय बचे, और कुल मिलाकर ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, है ना। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण है यहाँ पर वो मैंने आपको बता दिया, और ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे आप इस अपडेट का यूज़ कर सकते हो। तो ये अपडेट जो है अभी मुझे जो है मिल गया है, लेकिन मोस्टली व्हाट्सएप यूज़र्स को अभी ये अपडेट नहीं मिला है, है ना। तो आपको वेट करना है, आपको ये अपडेट मिल जाएगा। अपडेट रखिएगा व्हाट्सएप को और आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। और गाइज, ऐसा ही जो है फ्यूचर में जो आप नॉर्मल ऑडियोज भेजते हो ना व्हाट्सएप से अटैच में जाकर, उनके साथ भी होने वाला है। सेम स्ट्रक्चर, या हो सकता है इससे भी बेहतरीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले उन ऑडियोज़ में, है ना। इस पर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बात की थी कि उनके भी आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, वो भी ऑटो प्ले होंगी व्हाट्सएप की ऑडियोज़ जो नॉर्मल भेजते हो। अभी ये वॉइस नोट्स के साथ हो चुका है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये व्हाट्सएप ऑडियोज़ के साथ भी हो। तो कुल मिलाकर ये अपडेट थी, मैंने आपको बता दिया। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो और ये अपडेट कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बिना लाइक किए मत जाना। सभी तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। व्हाट्सएप और ये तो बोल दिया मैंने, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक्सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।